हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ आज जीप के शोरूम में। दोस्तों, एस जी हाईवे पे ये शोरूम है, बहुत ही अमेजिंग कार्स है। तो आज आपको पूरे कार्स के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और पूरी कार की डिटेल्स बताने वाला हूँ। अलग अलग बहुत सारी कार्स दिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे और ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलो चलते हैं। मैंने जैसे आपको वादा किया था, पूरी मॉडल्स की डिटेल देने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे। मेरे साथ है महेंद्र सिंह झाला, जो हमको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं और हर कार की पूरी डिटेल्स बताने वाला है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कौन से टॉप मॉडल्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को आप बता सकते हो। हाय, माय सेल्फ महेंद्र सिंह झाला फ्रॉम कंसेप्ट जीप। फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको जीप के बारे में बता देता हूँ। जीप 1941 से है। जीप ने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जीप विलिस, जो अमेरिकन आर्मी को वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ये प्रोवाइड किया था। देन उन्होंने जहाँ पे इंसान और घोड़े नहीं जा सकते थे, वहाँ पे ये प्रोडक्ट जाती थी, जीप विलिस। और उसके कारण जीप ने मीन्स जीप के कारण वर्ल्ड वॉर टू US जीता था। और उसके बाद में अपग्रेड होता गया और नया प्रोडक्ट आया। आपके सामने अभी जीप कंपस खड़ी है। ओके, जीप कंपस जो है। तो जैसे आप महेंद्र सिंह जी ने बताया कि बहुत ही पुरानी ब्रांड है जीप की, तो उन्होंने पूरी डिटेल्स हमको बताई। तो अब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और भी मॉडल्स बताएं ताकि हमको डिटेल में पता चले। आपके सामने मैंने अभी जो आपको बताया, 2007 में जीप कंपस लॉन्च हुआ था वर्ल्ड वाइड। देन सेकेंड जनरेशन इसका आया 2011 में। एंड आपके सामने अभी जो खड़ा है वो 2017 में थर्ड जनरेशन लॉन्च किया था। ये 26 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है इसका, FCA प्लांट के अंदर, फियाट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स। एंड ये यहाँ पे पुणे रंजन गांव में मैन्युफैक्चरिंग होता है और 26 प्लस कंट्री, जितने भी राइट हैंड साइड जो कंट्रीज है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। ये ग्लोबली डिज़ाइन है। एंड इसका जो बेसिकली जो है वो इसका बिल्ड क्वालिटी, रोड स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, ये इसके लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड आप देखने जाओ तो एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जो 100 प्लस कंट्री में सोल्ड आउट होता है, वो है जीप कंपस। जीप का सिग्नेचर जो है, जीप लोगो, 7 स्लॉट ग्रिल आप देखोगे तो ट्रेपेज़ॉइडल व्हील आर्क, वो जीप के कोई भी प्रोडक्ट में आप देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। जैसे कि जीप कंपस है, जीप रैंगलर है, जीप ग्रैंड चेरोकी है, जीप ग्रैंड चेरोकी SRT है, जीप ग्रैंड चेरोकी ट्रैक हॉक है, सभी में आपको ये व्हील आर्क आपको मिलेगा। अब देखोगे तो इनसाइड इसका इंटीरियर जो रहता है वो हर मॉडल के अंदर नेचर के हिसाब से इंटीरियर सेट किया हुआ है। लाइक अभी आप डिस्प्ले में जो है, जिसमें इंटीरियर ब्लैक विद स्की ग्रे कलर है। ओके, स्की ग्रे कलर मीन्स वो स्नो जैसा ग्रे रहता है ना, वैसा कलर आपको मिलेगा। ओके, ग्रे वो नेचर से इंस्पायर होकर आपको ये इंटीरियर मिल रहा है। तो सर से अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इनसाइड फीचर्स बताएं, इनसाइड इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें जो है ये कार में जो सबसे बेस्ट है। तो सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें वो सारी चीज़ें बताएं। इनसाइड जो आप अभी आपने बताया, तो इनसाइड है, फर्स्ट ऑफ तो आप इंटीरियर देखोगे तो इंटीरियर जो है वो ब्लैक विद की ग्रे कलर का ड्यूल टोन इंटीरियर है। इंटीरियर का जो मटेरियल है वो नेगेटिव वैक्यूम फॉर्मिंग है, जो लॉन्ग मीन्स इसके अंदर रफनेस नहीं आता। और इंटीरियर का जो फिनिशिंग है वो वैसा ही रहेगा। देन आप देखोगे तो उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम जो है वो यू कनेक्ट का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको मिलेगा FM, USB, ऑक्सिलरीज, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मोबाइल बेस नेविगेशन है, साथ में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिलेगा, जो आप वाया केबल आप यूज़ कर पाओगे। दूसरा आप देखोगे कि ऑटो क्लाइमेट ड्यूल जोन AC है, जिसमें ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड का टेम्परेचर आप अलग से मेंटेन कर सकते हो। साथ में आपको मिलेगा जीप सिग्नेचर वाला स्टेयरिंग जो 3-स्पोक रहेगा। और ये जो पावर स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है और स्पीड सेंसिटिव है, जिसको
आप देखोगे तो ये स्पीड पे डिपेंडेंट रहता है, डायनामिक स्टेयरिंग टॉर्क है इसके अंदर, तो वो इस हिसाब से वर्क करेगा। आप क्लस्टर में देखोगे तो 5 इंच का क्लस्टर आएगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगा, ड्राइवर इंफॉर्मेशन क्लस्टर। और सीट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट है जो 8-way एडजस्टमेंट है। सो सर, बाकी जो कार्स होती है, जो लग्जरियस कार और भी होती है और भी कंपनी की, सो उस ब्रांड से लेके ये जो मॉडल है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको, जिससे लोगों को पसंद आए और जिससे ये कार ओपनली लोग बाय करते हैं? फर्स्ट ऑफ तो इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि मेजर क्या है, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, ये इसके अंदर आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी में ऐसा है कि आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लेज़र वेल्डेड डोर पैनल और रूफ पैनल दिया है जिससे कहीं भी आपको जॉइंट्स नहीं दिखाई देगा और मजबूत आई रहेगा। साथ में आपको मिलेगा 27 पार्ट्स के अंदर हॉट स्टैम्पिंग जिस जो आपकी गाड़ी की मजबूती ज़्यादा बनाएगा। ओके, थर्ड है, आप देखने जाओगे तो इसका जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, इसके अंदर 9th generation 4-channel ABS है, अदर ब्रांड के अंदर ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगा। साथ में आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ में आपको रेन ब्रेक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, साथ में EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन, ये सब आपको ये प्रोडक्ट के अंदर बेसिक टू टॉप में मिल जाएगा। तो इसका जो रोड स्टेबिलिटी, रोड ग्रिप जो है वो बेटर है अदर ब्रांड्स। सो सर, लास्ट में एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि ऐसे कौन से मॉडल्स अभी हमारे पास है और इसकी प्राइस क्या रहेगी? ऑलमोस्ट स्टार्टिंग प्राइस इसका है 16.49 एक्स शोरूम। ओके, और आप देखने जाओगे तो अभी हमारे पास सभी मॉडल्स अवेलेबल है, लाइक स्पोर्ट्स प्लस है जीप कंपास का, लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड प्लस है, लिमिटेड प्लस है, डीजल ऑटोमेटिक जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसमें भी मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे जो जो मॉडल्स पड़े हैं उनका नाम क्या है, जैसे उनका लाइक ये आपके सामने खड़ा है जीप कंपास स्पोर्ट्स प्लस है, वहाँ पे आप रेड कलर जो है एक्जोटिका रेड कलर वो आप देखोगे तो वो है लॉन्जिट्यूड 4x4 डीजल ऑटोमेटिक जो 9-speed ऑटोमेटिक है वो। देन ये सिल्वर कलर में जो अभी खड़ा है ये आपको ये लॉन्जिट्यूड प्लस है। देन ये ब्रिलियंट ब्लैक कलर है, ये आप लॉन्जिट्यूड मॉडल है। और आपके सामने अभी जो मैग्नेशियो ग्रे खड़ा है वो भी लिमिटेड प्लस है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारी बहुत सारी हेल्प की और श्योरली हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे। सो सर, आपका अगर हम नंबर डाल सके तो लोग जिनको जो इंटरेस्टेड है लेने के लिए वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप मेरा नंबर है 9909039803, महेंद्र सिंह झाला। ओके, थैंक यू वेरी